नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। तालीम सोशल प्रोग्रेसिव सोसाइटी द्वारा गरीब बच्चों को मुहैया कराई जा रही मुफ्त शिक्षा, बच्चों का भविष्य बेहतर हो यही संकल्प के साथ नोएडा में कई अन्य सेंटर भी चलाए जा रहे हैं। आसपास के करीब 50 से 60 बच्चे झुग्गियों में रहने वाले प्रतिदिन आते हैं और मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तालीम एनजीओ में पढ़ने वाले अध्यापक आकाश ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य बच्चों को सामाजिक स्तर पर भी जागरूक किया जाता है। एनजीओ में बच्चे दीपावली पर चित्र बनाते दिखाई दिए, बच्चों को दीपावली पर्व पर मुफ्त में भोजन भी कराया गया। आकाश ने बताया कि एनजीओ की तरफ से जो भी बेहतर हो सकता है वह सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। मौके पर दूसरे अध्यापक दुबे उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत से नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। 121 ओके। किस नाम से एनजीओ है? सर, तालीम सोशल प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तालीम सोशल प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जी सर। कितने वर्षों से चला रहे हैं एनजीओ को? सर, ये पिछले मेरे ख्याल से 10 से 12 वर्षों से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। कौन देख रहा है इस एनजीओ को, इसमें हेड कौन है? सर, हमारे जो एनजीओ का हेड है डॉक्टर सौरभ अस्थाना और उनकी टीम में। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? हनीश कुमार दुबे। दुबे जी, इस उम्र में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे घर में सभी लोग पढ़ाते ही हैं, तो हमने भी सोचा था कि कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर कोई पढ़ा ले तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारी भी जो चीज़ें हैं, कौशल है या फिर पढ़ाने का जो स्टाइल है, हमें भी पता चलेगा। बच्चे आगे जाएंगे तो हमारे भी भविष्य, अगले भविष्य का निर्माण करेंगे हम, और हमारी भी भविष्य बनेगी, इसीलिए फिर मैं पढ़ाने के लिए सोचा। एक पढ़ाने के लेकर जो रुचि लोगों में होनी चाहिए, सभी लोगों में नहीं होती है। आप यंग एज में इतना सोच रहे हैं, अच्छी बात है। ये तो चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और एक नया दिशा मिले इनको, क्योंकि जाने। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो, शिक्षा वो एक अच्छा ऐसा चीज़ है जो चीज़ के लिए ये दिखाता है किस चीज़ के लिए लड़ना है हमें। अगर कभी कभी होता है कि पता ही नहीं है कोई भी चीज़ है, तो उसको जागरूक करने के लिए शिक्षा जरूरी होती है। ठीक है, कितने दिनों से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों, गरीब बच्चों जैसे यहाँ बैठे हुए हैं सभी? तो सभी आसपास से बच्चे आते हैं? हाँ, आसपास के ये जो मरीन बस्तियाँ हैं, यहाँ के बच्चे आते हैं। टोटल कितने बच्चे होंगे एनजीओ में? सर, यहाँ पे लगभग हमारे 200 से प्लस हैं बच्चे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।